नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं मन्ना डे की पुण्यतिथि पर एक खास वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूं। इसे हमारे वरिष्ठ मित्र दिनेश लखन पाल ने तैयार किया है। कुछ समय पहले उन्होंने मन्ना डे के ऊपर एक बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जो दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था। इसी डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के दौरान मन्ना डे के साथ उनकी जो मेल जोल रही, जो मुलाकातें हुई, उसी के आधार पर उन्होंने यह वीडियो तैयार किया है और अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे देखें और मन्ना डे के थोड़े और करीब आ जाए। प्रणाम अजय जी, धन्यवाद एक बार फिर मन्ना डे के साथ बिताए क्षणों को याद करने का अवसर देने का, और आप भी साधुवाद के पात्र हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर आप उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखता हूं तो 26-27 साल हो गए इस फिल्म को बनाए हुए, जिसका श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री केशव पांडे को, जो इसके प्रोड्यूसर थे, जो कुछ समय तक दूरदर्शन के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल भी रहे और आकाशवाणी से डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहकर रिटायर हुए। लेकिन ये फिल्म उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद प्रपोज की थी और तभी बनाई थी। उन्हें उन लोगों में भी माना जाता है, जाना जाता है, जो इस देश में रेडियो और दूरदर्शन को स्थापित करने वाले लोग हैं। आज उनकी पुण्य स्मृति को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। दादा के साथ साथ मैं मन्ना डे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। 2-4 बार उन्हें इरला और विलेपार्ले के इलाके में, मैं भी पास ही रहता था, कभी सब्जी या कभी शॉपिंग करते हुए देखा था और हर बार जाकर प्रणाम किया और वो मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार कर लेते थे। लेकिन तब नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा मौका आएगा कि मन्ना डे पर फिल्म बनाने का, और इसका श्रेय बाबा को जाता है, केशव पांडे जी को। उनके बड़े पुत्र हमारे सीनियर से दिल्ली विश्वविद्यालय में शरद शशांक, जो वॉइस ऑफ अमेरिका से भी जुड़े रहे, तभी से हम उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। दुनिया जानती है कि अपने क्षेत्र में अपने गायकी और संगीत की समझ में उनका क्या ओहदा था, और कमाल ये है कि जितने ऊंचे दर्जे के वो कलाकार थे, उतने ही सरल, संजीदा और मैं समझ सकता हूँ कि जागरूक इंसान थे। आसपास देश विदेश की परिस्थितियाँ भी उन्हें बेचैन करती थी, परेशान करती थी, लेकिन वो बहुत सादे और सरल व्यक्ति थे। उनसे बात करना, हालांकि खासकर उनके हुनर पर बात करना इतना आसान नहीं था। जहाँ तक सरलता की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि आप यकीन मानिए कि शायद उन्हें दूर दूर तक नहीं पता था कि कोई केशव पांडे जी उनके नाम पर फिल्म बनाने का एक प्रपोजल दूरदर्शन पर दे चुके हैं और वो अप्रूव भी हो गया है। जब हम पहली बार उनसे मिले अप्रूवल के बाद, तो थोड़े से परेशान व्यथित दिखे, और वो परेशान इस बात पर थे कि आप लोग मुझ पर क्यों फिल्म बनाना चाहते हैं, ऐसा मैंने क्या किया है जो फिल्म बनाने के लायक है। और ये सहज और सरल बात थी। हमारे पास जो हमारा USP था वो ये था कि दादा उस समय 75वें वर्ष में उम्र के दाखिल हो रहे थे, और उन्हें मनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो श्रीमती सुलोचना मन्ना डे का था, जो उनकी मैडम श्रीमती सुलोचना जी मन्ना डे की पत्नी, उन्होंने भी थोड़ा सा उनको कन्विंस किया और तब जाकर वो माने। और एक बार जब वो मान गए तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखे। और कल्पना कीजिए कि एक इतना बड़ा कलाकार जिससे बिना पूछे एक आदमी एक प्रोड्यूसर प्रपोजल जमा करा देता है, अप्रूवल ले लेता है। आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो एक एक दो दो गाने गाकर जो सुपर स्टार अपने आप को समझते हैं, उनके साथ कोई इस तरह का काम कर सकता है। दूरदर्शन के पुराने साथी और कुछ रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इस फिल्म को करीब 1500 बार दिखाया जा चुका है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि शायद 500-100 बार तो अवश्य दिखाया गया होगा। और इसके लिए बहुत ही सीमित संसाधनों में बनी ये फिल्म थी, बहुत कम बजट था। लेकिन बिना मन्ना डे, उनके परिवार के, उनके सहयोगियों के सहयोग के, साथियों के सहयोग की फिल्म संभव नहीं हो पाती। हमने तो लगभग उनके घर पर पूरा कब्जा ही कर लिया था, अड्डा बन गया था। और उस दौरान श्रीमती सुलोचना ने जो आवभगत और जिस तरह से हम काम कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने हम पूरा घर खोल कर हमारे सामने रख दिया था, मुझे मुश्किल लगता है कि आज के तारीख में ऐसा संभव है। फिल्म में कुछ तकनीकी कमियां हैं, मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है, हाई बैंड पर बनाई थी उस समय, लेकिन उन जो जानकार लोग हैं वो बता सकते हैं
कि क्या कमियां हैं बशर, लेकिन वह ये है कि दादा का संगीत इतना पावरफुल है, इतना कमाल का है कि वो सारी कमियां जो हैं दब जाती हैं। ये मन्ना दा उनके साथी कलाकारों का जो म्यूज़िक है उसका कमाल है। उनके दोबारा प्रस्तुतिकरण में जो भी कमियां आती हैं वो सब दब जाती हैं क्योंकि म्यूज़िक उन पर हावी हो जाता है। जहाँ तक उनकी सादगी के बारे में की बात है, मुझे याद है हम लोग एडिटिंग कर रहे थे और एक जगह मैं अटक रहा था, मुझे कुछ और फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसा आर्काइवल फुटेज चाहिए थी जो हमारे पास ही नहीं, तो मैंने हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ बैठे थे, मैंने कहा बाबा आज दादा के यहाँ चलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ और निकालिए। शाम को हम दादा के यहाँ गए तो मैंने बोला दादा हमें कुछ पुराने फ़ोटो निकालिए प्लीज़ कहीं से, हमारे पास कुछ ऐसा विशेष मटेरियल नहीं है। तो बोले अरे कहाँ कहाँ निकालेंगे, पता नहीं कहाँ पड़े हैं, कैसे निकालेंगे। लेकिन सुलोचना जी जो अक्सर आके हमारे पास बैठ जाती हैं, उन्होंने कहा कि दिनेश ऊपर बरछत्ती में बंगले में एक स्टोर है, उसमें शायद एक ट्रंक पड़ा है, उस ट्रंक में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। और 2 या 3 दिन के बाद जब उनका फ़ोन आया और मैं शाम को वहाँ वह सब देखने गया तो मित्र वहाँ पर करीब 28 डॉक्यूमेंट थे और उन 28 डॉक्यूमेंट्स में दादा के दोनों नेशनल अवार्ड भी थे, उनका पद्मश्री सम्मान पत्र भी था और सुलोचना जी के साथ स्टेज पर गाते हुए और बाकी कलाकारों के साथ बैठकों के चित्र से, जिससे फिल्म का पूरा लगभग कायाकल्प ही हो गया। जबकि हकीकत ये थी कि दादा के लिए ये सब बातें को मायने ही नहीं रखती, जो कहाँ किस कोने में घर में पड़े थे ये सब चीज़ें, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज जब आपने ये मौका मुझे दिया है इस विषय पर बात करने का, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ संभव नहीं है, लेकिन काश ऐसा होता कि हम जिस भी व्यक्ति पर या जिस भी महानुभूति पर या सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर हमें उनके साथ पहले से ही कुछ और समय, अतिरिक्त समय बिताने का मौका मिले तो शायद फिल्म का जो स्वरूप फाइनल होता है वो चेंज हो जाए। और मुझे लगता है कि आज मुझे दोबारा अगर इस फिल्म को बनाने का मौका मिलेगा तो एक अलग फिल्म बनेगी, क्योंकि फिल्म के बनने के बाद, बनने के दौरान, बनने के बाद भी मैंने बहुत सारे क्षण दादा के साथ बिताए हैं जिनसे उनकी पर्सनालिटी के और बहुत सारे अक्स सामने आए। पारिवारिक मजबूरियों के रहते वो उन्हें बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ा था, मैं बेंगलोर में उनके पास मिलने जाता था उन्हें अक्सर, जब भी जाता था। आखिरी बार जब मैं उन्हें मिला तो वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तब तक सुलोचना जी भी जा चुकी थी और मैंने देखा कि दादा पहली बार बहुत ही अकेले महसूस कर रहे थे अपने आप को। मुझे लगा था कि मैं आधे घंटे में निकल आऊँगा, लेकिन मैं करीब 2 घंटे उनसे बात करता रहा। वो चाहते थे भी कि कोई ना कोई ऐसी बातें होती रहें, उन्हें शायद इट वॉज ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की सुलोचना जी के बारे में, मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, और फिल्म संगीत के बारे में, फिल्मी म्यूज़िक के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक बाल सुलभ चंचलता हमेशा रही। मैं जब उठने लगा तो मैंने कहा कि दादा मैं निकल रहा हूँ, मैं, मेरे पास एक कैरी बैग था, उसमें मैं कुछ लीची के टेट्रा पैक लेकर गया था जूस के, मुझे मालूम है दादा को जूस बहुत पसंद था। तो जब मैं जाने लगा दादा बोले क्या दिनेश जी कौन खाएगा कौन पिएगा, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैंने कहा दादा ये कुछ नहीं है, सिर्फ लीची के लीची जूस है। तो एकदम बच्चों की तरह, अरे लीची चलो फिर तो मैं ज़रूर रखूँगा। हमारी फिल्म में आशा जी ने कहा ही है कि ऊपर वाला 1000, 2000, 10000 वर्ष में कभी एक बार मन्ना दा, लता जी, किशोर, मुकेश, रफ़ी साहब जैसे कलाकार पैदा करता है। और मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत दरकार है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों ने जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म म्यूज़िक के स्वर्णिम काल को में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इनको लेकर बम्बई में अगर किसी कोने में कोई छोटी सी लाइब्रेरी या म्यूज़ियम बने तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह बन सकती है, जहाँ उन्हें सीखने, प्रेरित होने और उस पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। और अजय जी आपके भी लगभग सभी वीडियो मैं देखता रहता हूँ और आप भी बहुत अच्छा और बहुत ही अलग किस्म का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर को प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम।